तो हेलो दोस्तों और सबको गुड मॉर्निंग। और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो एक दिन बाद वीडियो अपलोड होता है। उस दिन तो हो नहीं पाता है क्योंकि सारा दिन जो वीडियो बनाने में लगते, तो कभी कल जो है शाम को क्लिप में डाल देती हूँ, तो कभी टाइम नहीं मिलता तो उसका कल होके क्लिप डालना पड़ता है। तो इधर मैं अभी 5 बज रहा है और इधर मैं जो है घर में झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ, क्योंकि जो है रात को ही मैं सारा काम कर ली थी। और तो सिर्फ सुबह उठ के मैं सोची रात को ही साफ़ सफाई में कर लेती हूँ, तो सुबह उतना झंझट नहीं रहेगा। तो इधर मैं झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम लगता है वो है जो हम बाहर द्वार झाड़ू मारना, तो वहाँ भी लगाना पड़ता है। इधर जो है बाबू भी उठ गया है, मेरा छोटा बेटा, तो उसको भी बिस्किट दे के मैं साइड कर दी हूँ। और अभी सुबह का है जो ठंडा ठंडा मैंने मौसम में हवा भी दे रहा है और इतना गर्मी है, लेकिन हवा जो थोड़ा सा मैंने चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा राहत भी है। चार मैंने सुबह का टाइम जो है एकदम हरा हरा दिखता है, क्योंकि अभी जो है ऐसे तो पेड़ पौधा बहुत सारा है, लेकिन अभी धान का सीजन है, तो अभी धान भी एकदम हरा हरा दिखता है खेत में। तो इसके बाद जो है मुझे मशीन साफ़ करना था, क्योंकि मैं आजकल यही मशीन में छोड़ दी थी, इसे मैं कल बैठ के आराम से साफ़ करूँगी। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही इसको मैं ठीक करा के लाई हूँ, तो वहाँ जो है साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा से करके दिया था। तो अभी मैं जो है ऊपर का धूल उल जो लगा है तो मैं वही साफ़ कर दूँगी, जो हमसे जितना होगा मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि पहले से इसको मैं ठीक करा के लाई थी, इसीलिए ज़्यादा साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ जो नट बोल रहे जो है जहाँ से वहाँ मैं तेल डाल दूँगी इसे अच्छा सा काम करे, तो मैं साफ़ सफाई करके जो है ना मैं इसके अंदर में तेल डाल दी हूँ। और इसके बाद जो है थोड़ा सा एक रूम में बाइक भी पड़ा हुआ है, तो उसको मैं भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आज है जो लोहा लक्कर का दिन है। तो साफ करते समय भी थोड़ा सा हाथ में लग गया, क्योंकि इधर उधर निकला हुआ है। तो इधर मैं साफ़ कर दी हूँ और जो है अब जो मशीन का जो पैदान है जो उसको भी साफ़ करना था, तो वो तो डेली साफ़ होता है, लेकिन आज जो है थोड़ा पानी उनी से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। मैं सोची इसको धो ही देती हूँ, तो मैं सोच धोने से जो है खाली पानी गिरेगा, उससे अच्छा पोछ देना ही सही है। तो मैं इसको घुमा फिरा कर जो है मैं पोछ दी हूँ। इसको पोछने के बाद जो है मैं ऊपर जो मशीन में मशीन भी फिट कर दी हूँ, रख दी हूँ। और जो बॉक्स है जहाँ धागा होगा इंची टेप रखा जाता है, उसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि मैं सोची इसको कि मैं छोड़ी इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और इधर जो मशीन में लगा देती हूँ। तो आज सिलना भी था, लेकिन मैं सोची आज नहीं, आज का दिन सब चीज़ आराम, तो मैं सोची इसका कल होके मैं सिल लूँगी। एक ब्लाउज सीना था इसलिए, तो इधर मैं इधर आके बाइक भी पोछ दी हूँ। और इधर जो इधर काम करके अब सीधा मैं नहाने जाऊँगी और नहा धोवा के जो है पूजा करना है, तो घर में ही पूजा करना है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हूँ। तो इधर मैं नहा ली हूँ, तो मैं सोची आज के दिन मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो
एक दिन पहले मैं जो है मैं ब्लाउज सिली हूँ और साड़ी का लिए, क्योंकि जो पिंक साड़ी हल्का पिंक, तो इसके लिए कोई ब्लाउज नहीं था, तो मैं 1-2 घंटा लगा थोड़ा मेहनत करके मैं सिल ली हूँ। और इधर थोड़ा सा बाल झाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली जो घर में किया जाता है। और उसके बाद में 1 घंटा मैं बैठ के थी, जो मेरा भाई सामान लाने के लिए भेजी थी, तो 1 घंटा बाद आया है, तो उसके आने के बाद ही मैं बैठ के थी। और इधर जो मेरा छोटा जो बाबू है उसको भी मैं नहला दी, क्योंकि उसको पहले मैं नहलाई हूँ, क्योंकि मैं खुद पहले मैं नहा लूँगी तो उसको नहलाने में कपड़ा भीग जाता है, तो उसी को मैं पहले नहला दी, कपड़ा पहना दी। तो उसका बाद में इधर में तैयारी होने बैठी। तो तो इधर मैं तैयार हो चुकी हूँ पूरा, और इधर जो है मेरा भाई भी लेके चला आया था। तो इधर जो है चंदन वगैरह जो अच्छे थे जो है उधर मैं चंदन लगा दे रही हूँ, तो इधर मैं जो देसी में पूज रही हूँ। जो है हम लोग का दो देवता अलग है, मायके का अलग है, ससुराल का अलग है, तो वहाँ तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। और जो देसी जो है पार्वती जी शंकर जी जो है उनको मैं पूजा कर ले रही हूँ। और गर्मी बहुत बेहिसाब गर्मी भी है आज, तो इधर पूजा करके मैं फिर मशीन को चली गई थोड़ा पूजा करने। तो मैं बहुत जल्दी पूजा की हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और इधर पूजा करने के बाद जो है मुझे लग गया भूख तो पहले ही लगा था, लेकिन पूजा नहीं की थी इसलिए मैं खा भी नहीं पा रही थी। तो इधर जो है जो बूंदिया होता है और जो नमकीन, तो उसी को मैं जो है और मिला के मैं खा ले रही हूँ। और इधर जो है पूरी बन चुका था, मेरी भतीजी बनाई थी, क्योंकि मैं इधर काम कर रही थी इसीलिए, और मैं सब्जी बना ली हूँ इधर। और गर्मी बहुत है, आप लोग देख के समझ सकते से कितना गर्मी है इधर। और खाना वाना खा के और आराम करके जो उठी, तब अभी 2 बज रहे हैं, और जो प्रसाद रखा हुआ था मैं अभी खा ले रही हूँ। दो दो पंखा चल रहा है, लेकिन फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो देख सकते हैं ऊपर भी पंखा चल रहा है और साइड में भी पंखा चल रहा है। आइजर बाबू सो के हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में एडिटिंग करने में बहुत सारा दिक्कत आता है इसीलिए। और आज का वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।